ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। तेजी से फैल रही है धार्मिक अफवाह, राम मंदिर पर भैया जी क्या बोले। 20 साल से यह शख्स लिख रहा है शहीदों के नाम पत्र। प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए नीरी का बॉम्ब। अब खबर विस्तार से। गुरुवार को शाम के समय देर तक झूठी अफवाह फैल गई है। एक के बाद एक महिलाएं मंदिर की ओर दौड़ रही हैं। किसी ने रुपए दिए तो किसी ने बिना कुछ कहे ही निकल गए। दरअसल मामला बच्चों से जुड़ा है। जो महिलाएं मंदिर में जल नहीं चढ़ाएंगी उनके बच्चों की मौत हो जाएंगी, ऐसे अफवाह महिलाओं के बीच में फैला दी गई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर के मुद्दे पर भैया जी जोशी क्या बोले। राम मंदिर पर भैया जी बोले, जरूरत पड़े तो 1992 जैसा आंदोलन करेंगे। मुंबई में 3 दिनों से राष्ट्रीय स्वयं संघ का मंथन चल रहा है। आज यह मंथन खत्म हुआ है और अब भैया जी जोशी ने राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। राम मंदिर पर भैया जी बोले, जरूरत पड़ी तो राम मंदिर के निर्मिति के लिए 1992 जैसा आंदोलन करेंगे। मुंबई में 3 दिनों से राष्ट्रीय स्वयं संघ का मंथन चल रहा है। आज यह मंथन खत्म हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे देश में आए दिन वतन की रक्षा करते हुए कई जवान शहीद हो जाते हैं, इसका सभी को दुख होता है। लेकिन उन शहीदों को हमेशा याद रखे, उनके परिवारों के दर्द को भी समझे, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन गुजरात में एक शख्स ऐसा है जो 20 सालों से शहीदों के परिवारों को पत्र लिखता है। प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए नीरी का बॉम्ब। प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नीरी के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण पूरक पटाखों की निर्मित की है। इन पटाखों के इस्तेमाल से हवा और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इस आविष्कार से अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक फटाके फोड़ने का आनंद अब द्विगुणित होने वाला है। दिवाली का त्यौहार ये उत्साह के साथ आतिशबाजी का भी त्यौहार माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण ने सब मर्यादा लांघ दी है। न्यायालय ने भी इस बारे में कठोर भूमिका ली है। नीरी के इस संशोधन से 40% प्रदूषण कम होने का दावा किया है। नीरी के वैज्ञानिकों ने 8 महीने तक इस पर संशोधन किया। अगले साल तक इन पटाखों का उत्पादन बाजार में आ जाएगा, ऐसा दावा नीरी के वैज्ञानिकों ने किया है। इन पटाखों की निर्मित से कितना प्रदूषण घटेगा, प्रदूषण मुक्त पटाखों की निर्मित की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये ग्रीन कैकर्स कैसे काम करेंगे, कब तक ये पटाखे बाजार में आएंगे, इस बारे में नीरी के वैज्ञानिकों ने बताया कि हम लोगों ने ये क्रैकर्स जो एमिशंस होते हैं कन्वेंशनल क्रैकर्स से वो कम करने के लिए बनाए हैं, इसलिए इनको ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं या रिड्यूस्ड एमिशन क्रैकर्स करते हैं। मोर पर्टिकुलरली हमने पार्टिकुलेट मैटर SO2 और NO2 ये 3 एमिशंस को कम करने की कोशिश की है। इससे जो पोल्यूशन होने वाला है वो कितना घटेगा, कितना कम होगा? पार्टिकुलेट मैटर 25-30%, SO2 और NO2 50-60%। पटाखे बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, कहाँ से आपको निर्देशित हुआ है और किस तरह से इसके ऊपर रिसर्च हुई है? ये एक साल पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने ये चैलेंज दिया था CSIR साइंटिस्ट को कि आप लोग क्रैकर्स डेवलप करिए जिससे एमिशन्स कम होंगे। बिकॉज कन्वेंशनल क्रैकर्स से जो एमिशन्स आते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि उनके हेल्थ इफेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, स्पेशली लंग डिजीजेस, अस्थमा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट और दिया था CSIR को, उसमें नीरी लीड कर रही है इस प्रोजेक्ट को और बहुत सारे अदर CSIR लेबॉरटरीज भी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। बट हमने ये ग्रीन क्रैकर्स का काम जनवरी में नीरी में शुरू किया बनाने के लिए। हम लोग ये केमिकल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, ये क्रैकर्स बनाते हैं, इसके अलावा हमने फिर ये एमिशन टेस्टिंग फैसिलिटी भी सेटअप किया हुआ है। ये जब टोटली तैयार हुए हैं, हाँ, जो बारूद होती है, जो जनरल पटाखे में बारूद होती है, इसमें आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए? जो एक्चुअली कन्वेंशनल क्रैकर्स होते हैं उसमें एल्यूमिनियम होता है करीबन 33%, पोटेशियम नाइट्रेट होता है करीबन 57%, सल्फर होता है अबाउट 9%। ये जो 3 पदार्थ है इनके कारण पार्टिकुलेट मैटर SO2 और NO2 जनरेट होते हैं। तो हमने ये 3 केमिकल्स को ध्यान में रखते हुए कि इनकी फंक्शन क्या है, हमने कोशिश की कि हम लोग ऐसे मटीरियल डेवलप करें और सब्स्टिट्यूट करें जो SO2 और NO2 कम देगा और जो पार्टिकुलेट मैटर कम देगा। ये जो फटाके तैयार किए हैं कब तक मार्केट में अवेलेबल हो पाएंगे?
हम लोग की उम्मीद है कि ये 2 या 3 महीने में मार्केट में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पीसो से हम लोगों को अप्रूवल मिलना है, मैन्युफैक्चरर्स ने लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना है, तो हमारे साथ कोई लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, कुछ लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है स्पेसिफिकली कालेश्वरी, वो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हम लोग उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट 2-3 महीने में ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।